हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यू तरीके की टॉप बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैं सिर्फ कटिंग दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो अपने डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉप बनाने के लिए मैंने एक मीटर कपड़ा ले रखा है। और फ्रेंड्स, ये रेयॉन का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है, गर्मी के माफिक का है, ये गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा पहनने में। और फ्रेंड्स, अब मैंने इसको डबल फोल्ड में कर रखा है इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से हमने किनारे किनारे को मिला के इस तरीके से इसे बिछा लिया है। और हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे। और हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने टॉप के हिसाब से अपनी लंबाई चौड़ाई रख लीजिएगा। मैं इसकी अपने टॉप के हिसाब से इसकी लंबाई रख रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी लंबाई रख लेती हूँ। मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 27 इंच रख रही हूँ, इस तरीके से। यहाँ पे 27 आ रहा है, 27 रख रही हूँ। ये तैयार 25.5 हो जाएगी, चलिए 27। और उसके बाद में इसको ऐसे सीधा मिला ले लूंगी इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है 27 इंच पे। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी आपको चौड़ाई बता देते हैं। इसकी चौड़ाई है 10.5 और ये 4/4 में फोल्ड है, तो ये टोटली हो गया 40। और फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा, जितना आपको चाहिए होगा। और अब हम इसका तीरा रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसका तीरा 5 इंच रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद में आर्म होल मैं इसका 5.5 रख रही हूँ। तरीके से के बाद में इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे, यहां से इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। हम निशान को डार्क कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसे गुलाई दे देंगे। तरीके से। और फ्रेंड्स, अब हम इसका गला काट लेंगे, गले पे निशान लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे 2.25 रख रही हूँ तरीके से। और इसकी लंबाई 4 इंच रख रही हूँ। और इसको इस तरीके से 2.25 पे निशान लगा के इस तरीके से ऐसे मिला लेना है और ऐसे गुलाई दे देना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी ये कमर की लंबाई चौड़ाई रख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने पूरा कपड़ा रख रखा है जितना हमें चाहिए, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पूरे पे ही निशान लगाएंगे। और हिप हम इसकी 14 पे रखेंगे, तो ये भी ऐसे करेंगे। और यहाँ पे कमर हम 7 पे रखेंगे तरीके से। तो हम यहाँ पे 7 पे 1 इंच कम कर लेंगे
तरीके से। फिर यहाँ पे 9 आ गया और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। और फिर इसको हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से सीधा ऐसे, उसके बाद में ऐसे करके, फिर यहाँ से कम ज्यादा करके, फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी, जिसे जिसे हमने निशान लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका निशान डार्क कर लिया है और हम इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे इसकी इस तरीके से। आप गला अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप बोर्ड गला बनाए तो अलग से कटिंग उसकी होती है, तो अलग तरीके से काटें उसको, आपके ऊपर है वो, ये आपको किस तरीके से पसंद है, जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से कर लेना। और फ्रेंड्स, इसके सिलाई की वीडियो जरूर देखना। अभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से सिला गया है। अब इसको यहाँ से ऐसे सिला काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कट के कुछ इस तरह से आया हुआ है। देखिए, मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इसका गला और मोल, और ये इस तरीके से है। फ्रेंड्स, ये बचे हुए कपड़े को ये इस तरीके से था, जो बचा हुआ है साइड से, यहाँ से निकाला था मैंने इस साइड से, उसको मैंने इस तरह से खोल लिया है और हम इसकी फ्रिल निकालेंगे। और फिर उसके लिए हमें ये 10 इंच कपड़ा है, इसकी चौड़ाई ऐसे 10 इंच में है, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से। और इसको हम ऐसे बीच से काट लेंगे बराबर करके, इस तरीके से कैंची को ऐसे डाल के ऐसे कट कर लेंगे, तो एकदम ये बराबर से कट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कट के दो भाग हो गया है, और ये फ्रिल के लिए ये देखिए इस तरीके से निकल गया है ये। और फ्रेंड्स, मैं आपको तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तभी आपको ये टॉप बनाना समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ना ख्याल रखें।